मोबाइल नंबर व्हाट इज योर स्माइल नंबर करनी है प्राइवेट पार्टी व्हाट इज योर प्राइवेट नंबर कहां से तू आती है डार्लिंग कहां को तू जाती है। दोस्तों पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि पीटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2018 तक जो भी पाकिस्तानी बरूने मुल्क रहते हैं जब वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना फ़ोन रजिस्टर्ड करवाना होगा लेकिन उस पर कोई कस्टम ड्यूटी आयद नहीं होगी। मगर जो भी पाकिस्तानी 31 दिसंबर 2018 के बाद बरूने मुल्क से पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान के हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मशीनें नसब कर दी गई हैं और इन मशीनों के ज़रिए जो ही मुसाफर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनके फ़ोन्स को रेगुलराइज कर दिया जाएगा और इन मशीनों के ज़रिए IMEI के नंबर को रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बिरूने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जब वो वापस छुट्टी पर पाकिस्तान आएंगे तो वो कितने मोबाइल ला सकते हैं। तो PTA के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो सिर्फ एक ही मोबाइल ला सकते हैं, वो मोबाइल नया हो या पुराना हो उसके ऊपर उन्हें कस्टम ड्यूटी 20% देनी होगी। इसके अलावा अगर वो दूसरा टेलीफोन भी लाते हैं, दूसरा मोबाइल भी लाते हैं तो उसके साथ क्या होगा, तो वो जो ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो कस्टम अथॉरिटी वो मोबाइल उनसे ले लेगी और PTA को दे देगी। PTA कागजाती कार्रवाई करने के बाद फिर वो मोबाइल मुमकिन है उसी दिन, मुमकिन है अगले दिन फिर वो वापस करेगी। इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तानियों का ख्याल था कि शायद वो मोबाइल जो वो यूज़ कर रहे हैं उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी एक मोबाइल होगा वो पुराना हो या नया हो उस पर आपको 20% कस्टम ड्यूटी देनी ही होगी। इस तरह ये तय हो गया है PTA के नोटिफिकेशन के मुताबिक कि एक ही मोबाइल आप ला सकते हैं और उस पर भी आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी। PTA के इस नोटिफिकेशन से जहां एक तरफ बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वतन वापस आने पर इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, वहां दूसरी तरफ इस अमल से मुल्क में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन्स की रोकथाम भी हो सकेगी। और आखिर पर मैं इस वीडियो के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो बिरूने मुल्क पाकिस्तानी जो रहते हैं वो जब छुट्टी पर आते हैं तो यकीनन एक से ज़ायद मोबाइल लाते हैं, तो एक उनका जो पर्सनल मोबाइल और दूसरा इसके अलावा जो लेके आते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दें क्योंकि वो अपने प्यारों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाना चाहते हैं। मैं ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्यों अपील कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में रह रहे हैं वो अपना सारा पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं जिससे पाकिस्तानी इकानमी को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।